सो हेलो गाइस, वेलकम टू डायनमो केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पी ब्लॉक का सिलिकेट केमिस्ट्री क्या लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलिकेट्स जो पी ब्लॉक का है। तो देख लीजिए, बात करते क्या सिलिकेट के बारे में, सिलिकेट्स राइट। देख लीजिए इसमें हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये देख लीजिए। सिलिकेट्स में मेरा पहला होगा ऑर्थो, ऑर्थो सिलिकेट। दूसरा पाइरो सिलिकेट। तीसरा साइक्लिक सिलिकेट्स। चौथा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका सिलिकेट, चैन सिलिकेट, चैन सिलिकेट। और फाइव में आ जाए आपका थ्री डी सिलिकेट्स। क्या थ्री डी सीट सिलिकेट होता है क्या, सीट सिलिकेट्स। एक और होता है क्या थ्री डी सिलिकेट्स, क्या थ्री डी सिलिकेट। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही मेरा मेन है, थ्री डी सिलिकेट्स। अब देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दें चैन सिलिकेट दो होता है, ये होता है पाइरोक्सीन, दूसरा होता है एम्फीबोल। एम्फी ये हो गया समझ में आया, तो ये पाइरोक्सीन और एम्फी बोल राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सिलिकेट, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका ओवरव्यू, ये सारा पढ़ना है राइट। देखा जाए तो अच्छा भी, हम इसको स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इतना को नोट कीजिए जल्दी। तो देखिएगा हम क्या बात करेंगे, पहला ऑर्थो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट राइट। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है क्या नियो सिलिकेट, क्या नियो सिलिकेट, नियो सिलिकेट राइट। देख लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं एच, ये होता है एस आई ओ एच का होल फोर, इसको हम इस लिख सकते हैं एस आई ओ फोर फोर माइनस राइट, इस तरह से। अब देखिए अभी अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एस आई ओ ओ माइनस और ओ माइनस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा राइट। इस तरह से ये हो गया। इसका क्या ये पता नहीं है क्या होगा आपका, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको अगर हमको लिखना हो क्या, इसका एक सिंबॉलिक होता है प्लेन में, इसको अगर एक प्लेन में लिखना होगा, ये तो ठीक है, इसको एक प्लेन लिखना होगा तो देखिए सब लिखा जाता है। देखिए देखिए जो जो वो कॉर्नर पे है, देखिए ये तीनों कॉर्नर पे है राइट, और ये सिलिकॉन जस्ट इसके क्या है ऊपर है, ऑक्सीजन के जस्ट ऊपर क्या ये सिलिकॉन है। देखिए माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है क्या, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसको यहाँ पे प्लस इंडिकेट करते हैं, और जो जो इसके पास ऑक्सीजन है ये वाला, इसको इसको यहाँ पे माइनस लिखते हैं, मतलब ये माइनस मतलब ऑक्सीजन जस्ट इस सिलिकॉन के पीछे है, समझ आया। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये माइनस हो कर रहा है, और सिलिकॉन जो यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे ये हो रहा है, ये उसका हो गया क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया प्लेन में, रिप्रेजेंटेशन हो गया राइट। ये हो गया, अब देखा जाए तो इसको मिला भी सकते हैं, आप चाहे तो जैसे आप मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करिए, नहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा ठीक, ये ऐसे ऐसा रखा रखने में। ये हो गया, ये देखिए तो ये क्या हो गया आपका एस आई ओ एच का होल फोर, क्या हो गया आपका ऑर्थो सिलिकेट राइट। क्या एस आई ओ एच का होल फोर, एस आई ओ एच फोर फोर माइनस क्या हो जाएगा ऑर्थो सिलिकेट राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकेंड बात करते हैं क्या पाइरोसिलिकेट, पाइरो सिलिकेट
सॉरी पायरोसिलिकेट। देखिए पायरोसिलिकेट में देखिए क्या होता है, क्या होता है देख लीजिए इस तरह से। हाँ ये हो गया। इस तरह से अब देखिए पायरोसिलिकेट का ये होता है। अब आता है इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये तो इस ऑर्थो क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसका कैसे लिखेंगे देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। देखा जाए देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस रिंग में भी है और इस रिंग में भी है, राइट। मतलब ये जो ऑक्सीजन है क्या है, शेयर्ड है। तो देखिए जो भी ऑक्सीजन शेयर्ड होगा उसका हम लोग क्या चार्ज नहीं लेंगे, मतलब -1 जो यहाँ पे ले रहे हैं ना वो हम शेयर्ड का नहीं लेंगे, सिर्फ किसका लेंगे अनशेयर्ड का। देखिए तो यहाँ पे एक सिलिकॉन, देखिए एक दो इसके पीछे तीन, तीन ऑक्सीजन इसमें हो गया, एक दो तीन, तीन ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो जाएगा सात, क्या हो सकते हैं वो कितना है सेवन। अब देखिए सिलिकॉन कितना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो Si2 चार्ज, देखिए चार्ज एक दो तीन चार, एक पीछे ये चार, एक पीछे ये चार, कितना एक दो तीन चार पाँच छः, -6। और जो शेयर है उसको क्या लगा, शेयर का हम नहीं लेंगे चार्ज, समझ में आया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसका पायरोसिलिकेट का। हम बताए भी थे आपको याद रखिए, पाई मीन्स क्या होता है दो, सिलिकॉन कितना दो, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये हम पी ब्लॉक का जो पिछला लेक्चर बाकी सब उसमें हम कितना बार बात कर चुके हैं, जो नेमिंग एसिड और बेस का जो नेमिंग होता है उसका, राइट। हालांकि बेस का नहीं एसिड, एसिड का ही बात किए थे। ये हो गया पायरोसिलिकेट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैन फॉर्मूला इस तरह से होता है, Si SiO4 - Z/2, और यहाँ पे होता है -4 - Z। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जेड क्या है, तो जेड है आपका नंबर ऑफ शेयर्ड शेयर्ड ऑक्सीजन, क्या शेयर्ड ऑक्सीजन, मतलब कितना ऑक्सीजन शेयर है वही, क्या इसमें कितना ऑक्सीजन शेयर है वन, कितना हो जाएगा अगर लिखेंगे इसका, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, Si O4 - कितना हो जाएगा 1/2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 - 1, Si O4 - 0.5, कितना 3.5, 3.5, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। अब देखिए इसको हमको किस में लाना होगा, किसमें इंटीजर में, किसमें इंटीजर में, तो क्या करेंगे इंटू दो से इंटू करेंगे, दो से करेंगे इंटू, तो इसके क्या चार में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Si2O7, और यहाँ पे 6-, ये हो गया। देखिए ये दोनों मैच किया, मैच किया, तो आप जिस तरह से याद रख सकते हैं या तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला तो ये आप याद रख सकते हैं ये वाला, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, समझ में आया ना। तो ये क्या हो गया, देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या आया था, ये हाउ मैनी ऑक्सीजन शेयर्ड इन पायरोसिलिकेट, क्या कितना शेयर्ड ऑक्सीजन है वन, कितना है वन ऑक्सीजन, इसमें क्वेश्चन होता है क्या, वन ऑक्सीजन क्या है वन ऑक्सीजन शेयर्ड है, शेयर्ड है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या कि हाउ पायरोसिलिकेट में कितना ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, तो क्या बोल सकते हैं कितना होता है शेयर्ड वन होता है। तो दो तरीका से क्वेश्चन आ सकता है और पूछा हुआ है दोनों क्वेश्चन, ठीक, कि हाउ मैनी ऑक्सीजन शेयर्ड इन पायरोसिलिकेट, तो कितना वन, या पायरोसिलिकेट में कितना ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, राइट। आगे बढ़े, ये क्या हो गया और तो ये क्या हो गया पायरोसिलिकेट। आप नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं क्या रिंग साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, देख लीजिए किस तरह साइक्लिक सिलिकेट होगा,
ये हो गया क्या, साइक्लिक सिलिकेट हो गया भाई, साइक्लिक सिलिकेट हो गया। और एक तरह से और बन सकता है, कैसे बन सकता है, देख सकते हैं। पहले पहले इसका काम कर लेते हैं, देख लीजिए। और हम इसका बात करें इसका, तो फार्मूला बात करेंगे पहले। क्या देखिए, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो साइक्लिक फार्मूला सिंपल वही कंसेप्ट। पहले क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं देख लीजिए। देखिए कितना सिलिकॉन है, तो ए जितना प्लस उतना सिलिकॉन, तो 1 2 3 4 सिलिकॉन कितना है, 4। उसके बाद ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन देखिए काम करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 हो गया, 8। और सबका एक अपना अपना, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 12 हो गया, कितना हो जाएगा 4 12। चार्ज बात करते हैं, चार्ज जो शेयर्ड है कौन कौन, ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है, ये शेयर्ड है और ये शेयर्ड, चार शेयर्ड है, कितना है, चार शेयर्ड है, कितना हो जाएगा देखिए। चार शेयर यहाँ पे इसका कितना है, इसका इसका बात करें तो देखा जाए तो ये देखो कॉर्नर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8 माइनस, क्या हो जाएगा SiO4, SiO4 और 12 माइनस। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। अब देखिए बात रहा, ये तो चार का हो गया, अगर 10 6 का हो तो फिर ये एक क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, क्या जनरल फॉर्मूला। तो देखिए अब क्या कीजिए ना, किसी एक को पकड़िए, किसी एक को मान लीजिए हम इसको पकड़ रहे हैं, इसको इसको देखिए, इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, SI कितना है 1, O कितना है, O यहाँ पे 1 और आधा शेयर इसमें है, आधा शेयर इसमें है, कितना हो जाएगा आधा इसमें आधा इसमें, तो 1 और यहाँ पे कितना, एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2 और एक ये 3, कितना है SI और 3 बोल सकते हैं राइट। अब चार्ज देख लीजिए, चार्ज देखिए ये शेयर्ड है तो इसका चार्ज कितना, 0। देखिए जो शेयर्ड होगा उसका चार्ज हम क्या बोले, 0 होगा राइट। ये शेयर्ड है तो इसका चार्ज 0, ये शेयर्ड है तो इसका चार्ज 0, इसमें कितना -1 -1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस राइट। अब क्या जनरल करना है, क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, यहाँ पे एन और यहाँ पे 2n-, समझ में आया, इस तरह से क्या हो गया, जनरल हो गया। कितना है अब, जैसे मान लीजिए कि अगर इसका निकालना है तो बैठा सकते हैं, कितना है कैसा है, देखिए एक का निकालते चार रिंग है, 1 2 3 4, कितना है SiO4, SiO3 यहाँ पे कितना 4, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 2 × 4, कितना हो जाएगा SiO4 12 और 8 माइनस, ये हो गया फॉर्मूला, समझ में आया था, ये हो गया जनरल फार्मूला। क्या हो गया जनरल, क्या हो गया जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, क्या जनरल फार्मूला, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए जनरल फार्मूला ये हो गया, अगर किसी का निकालना हो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग दे देता बस, तो आपको क्या देखना है, साइक्लिक कौन है, ये कौन है, वो कौन है, समझ में आया ना, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देते, रुकिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब ट्राई कीजिएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन, सुनाइए तो बनाइए, ट्राई कीजिए तो क्या होगा आंसर, देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे चार्ज हम नहीं मेंशन कर रहे, क्यों, क्योंकि चार्ज आपको पता हो गया कि कहाँ किसका कहाँ क्या लेना है भाई, तो मेंशन करते हो तो पता चल ही जाता है। ये क्वेश्चन है, देखिए बन गया, देखिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद है SiO3 कितना है, कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 SiO3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 × 3 SiO9 और 6 माइनस, ये हो गया फॉर्मूला राइट। तो किसी का आप निकाल सकते इस फॉर्मूला से, ये क्या हो गया जनरल फॉर्मूला, ये क्या है जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बना सकते किसी का ना, साइक्लिक सिलिकेट ये इस तरह से राइट। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाउ मैनी, हाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, साइक्लिक सिलिकेट, तो ये हो गया
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया कि ये इस तरह से बोल देगा एस आई ओ नाइन और सिक्स माइनस, बोला कि इसमें कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है। अब पता नहीं ये किससे आया, ये इससे आया, किससे आया ये। अगर ये आपको पता है तो ये इस्तेमाल सकते हैं स्ट्रक्चर कितना शेयर्ड है, एक दो तीन, इसमें कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, तीन ऑक्सीजन शेयर्ड है। इसमें कितना है शेयर्ड ऑक्सीजन, इसमें चार ऑक्सीजन शेयर्ड है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट मेरा खत्म हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब मेरा क्या चैन सिलिकेट, चैन सिलिकेट्स, चैन सिलिकेट्स में क्या करना है देख लीजिए। तो क्या क्या है चैन, मतलब चैन इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से ये क्या हो गया चैन सिलिकेट। हो गया चैन सिलिकेट, कोई दिक्कत नहीं है राइट। अब देखिए बात करें इसका फॉर्मूला, देखिए तो सबसे सिंपल क्या काउंटिंग कर सकते हैं आप, काउंटिंग कैसे करेंगे देखिए, तो देख लीजिए। और आप इसका बात करेंगे जनरल फॉर्मूला, तो क्या कीजिए किसी किसी एक को देखिए, किसी एक को पकड़िए, इसको पकड़िए, ये कितना देखिए, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन है कितना से शेयर है, दो आधा इसमें आधा इसमें, आधा तो मैंने कितना जाएगा एक दो तीन, एस आई ओ थ्री चार टू माइनस राइट, टू माइनस, तो ये हो गया फॉर्मूला क्या जाएगा एस आई ओ थ्री एन यहाँ पे माइनस टू इंटू एन, इस तरह से सही फॉर्मूला वही हो गया चैन सिलिकेट का। लेकिन 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 ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब देखिए शायद पिछला, आप देखिए पिछला एग्जांपल कर रहे थे यहाँ पे, इस तरह से देख लीजिए, देखिए देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपका, इसमें क्या कंप्लीट साइकिल, देखिए यहाँ पे चेन है देख देख सकते हैं। तो हम बात करें इसमें और इसमें बात करें, इसमें दिख रहा होगा इसमें कितना शेयर है, दो शेयर है, इसमें कितना शेयर है, दो शेयर है, इसमें कितना शेयर है, इसमें सिर्फ एक शेयर है, इसमें कितना शेयर है, इसमें एक ही ऑक्सीजन शेयर है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हर, देखिए हर एक जैसे बात करें इस रिंग का, तो इस रिंग का बात करें, इस रिंग का दो शेयर, इस रिंग का बात करें तो इस रिंग का दो शेयर, और इस रिंग का बात करें तो इस रिंग का दो शेयर। मतलब इसमें क्या था, जब साइक्लिक था तो हर एक रिंग का इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, शेयर था। लेकिन जब ये आपका चैन सिलिकेट होगा, क्या चैन सिलिकेट, उसमें हर एक का क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या शेयर्ड नहीं होगा, मतलब जो लास्ट वाला है वो क्या होगा एक कम होगा। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे दो है, दो है तो यहाँ पे एक है, तो ये तो यार जनरल फॉर्मूला। लेकिन बात करेगा इसका एग्जैक्ट, अब बोले इसका होता फॉर्मूला इसका, तो क्या कर सकते एग्जैक्ट निकालना होगा, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला ये निकालना, इसका निकालना एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना है, क्या करेंगे देख लीजिए। एग्जैक्ट निकालना तो बस काउंटिंग भी कर सकते हैं, वो भी सिंपल है, काउंटिंग कीजिए एक दो तीन चार, तो सिलिकॉन कितना फोर हो गया। अब देखिए दूसरा एक दो तीन चार राइट, पाँच पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ दस ग्यारह बारह तेरह, कितना तेरह हो गया, ओ थर्टीन, थर्टीन चार देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका होगा क्योंकि यहाँ पे शेयर नहीं है, ये शेयर है, ये शेयर है, एक दो तीन, तीन का गैप कर दीजिए राइट, देखिए कितना एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या यहाँ पे माइनस लिख दे राइट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, समझ में आया, एक बार और कर दे देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हो गया इसका क्या एग्जैक्ट, इसका इस चार क्या फोर नंबर रिंग, फोर
जब जब साइकिल चैन में कितना हो, चार चार रिंग हो राइट, ये इस तरह से ये चैन में चार रिंग है। अगर बात करें इस यहीं पे, अगर बात करें कि अगर इससे लाना हो, इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, इससे लाना होगा तो देखिए बस करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको ओ माइनस टू ऐड कर देना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना। इसी से और निकालना हो तो कितना है, एक दो तीन चार, एक का कितना है, एक का चार है, तो एस आई ओ थ्री, यहाँ पे कितना एन कितना है, एन यहाँ पे फोर है, नंबर ऑफ सिलिकॉन काउंट कर लीजिए फोर, और यहाँ पे माइनस टू इंटू फोर कितना हो जाएगा, प्लस ओ माइनस टू कितना हो जाएगा, एस आई फोर ओ ट्वेल्व माइनस एट और प्लस ओ टू माइनस ना 12 एक 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एस आई फोर ओ 13 और -10, इस तरह से समझ में आया। तो देखिए दोनों मैच किया ना, दो तरीका है, देखिए ये क्या, ये था आपका जनरल फॉर्मूला, लेकिन अगर बात करें इसका एग्जैक्ट, बात करें एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या होगा, या तो काउंटिंग कर लीजिए, हालांकि हम तो क्या करते हैं, हम काउंटिंग के ही कर लेते, क्योंकि काउंट फॉर्मूला याद करना हमको बहुत ये लगता है, तो हमको मतलब कि हालांकि हमको तो सारा पता है, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन, जैसे बोलेगा क्या इसमें, हाउ मेनी ऑक्सीजन ऑक्सीजन आर शेयर, तो कितना है, एक दो तीन, समझ में आया क्वेश्चन, तो इसे आसान क्वेश्चन है, आप इसे डरिएगा नहीं, जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये हो गया राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं, मिटाए ना इसको, देख लीजिए क्वेश्चन बात करें यहाँ पे इस तरह से, देखिए पता है ये जो पढ़े अभी, ये जो पार्ट पढ़े, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो भी पार्ट पढ़े, जिसको बोलते हैं एम पाइरोक्सीन, क्या पाइरोक्सीन जो भी पढ़ रहे थे वो पाइरोक्सीन था, ये इस तरह से समझ में आया, प्लस प्लस डाल दीजिए, प्लस 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 माइनस 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 राइट, इस तरह से ये, और यहाँ भी डाल सकते हैं, हालांकि ये डाला नहीं जाएगा आपको, समझ में आया एग्जाम में, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि शेयर में कितना होगा, आंसर में कितना होगा, इस तरह से राइट। अब पूछा क्या इसका, बताइए एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या, एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट में क्या करेंगे, क्या बोले एस आई ओ थ्री, और यहाँ पे क्या करना है, एन यहाँ पे माइनस टू, और प्लस क्या करना है, ओ माइनस टू कर देना, ये, या दूसरा क्या काउंटिंग, तो क्या होगा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए कितना, एक दो तीन चार पाँच, एस आई ओ थ्री यहाँ पे फाइव, यहाँ पे माइनस टू इंटू फाइव प्लस ओ माइनस टू कितना हो जाएगा, एस आई ओ एस आई फाइव ओ फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन कितना, दस दो बारह हो जाएगा, समझ में आया, काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग करने तो सिखा ही चुके हैं, कितना ऑक्सीजन शेयर है, एक दो तीन चार ऑक्सीजन शेयर है राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, बस टेन में ये भी हो सकता है, चार मेंबर तीन मेंबर दो मेंबर ये सारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ में देखिए क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, देखिए ऐसे बात कर देख लीजिए इस तरह से, यहाँ देख लीजिए जैसे अभी हम बात किए थे स्टार्टिंग में, ये एस आई ओ फोर फोर माइनस राइट, अब यहाँ पे क्या कर देगा, एस आई ओ फोर यहाँ पे जो माइनस चार्ज है उसको कोई क्या, कोई दो चार्ज, कोई एक चार्ज ला के उसको बैलेंस कर दे, मतलब जैसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ए एक्स, पूछा है क्या कि ए एक्स क्या होगा, क्या होगा, देखिए वो पता है ये कितना चार्ज लेगा, ये लेगा आपका माइनस फोर, तो ये कितना लेगा, ये लेगा आपको क्या प्लस फोर राइट, मतलब कि यहाँ पे ए एक्स है राइट, तो ए एक्स जो होगा वो कितना होगा, प्लस फोर का कोई कंपाउंड होगा, समझ में आया ना, इस तरह से कोई आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, देख सकते हैं आप, सारा जितना जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हम सारा करवा रहे हैं आपसे राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या उसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे, और जितना प्रीवियस पेपर है सारा हम क्या सॉल्व करवा देंगे राइट।
तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब सुनो, एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में क्या पूछता है, अगर हम बात करें एग्जाम में क्या पूछता है, इसे क्या पूछेगा, पहला बात क्या पूछेगा कि चैन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको, ये बताया, ये वाला क्या आपका जनरल फॉर्मूला, राइट, ये क्या इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, ये क्या जनरल फॉर्मूला। दूसरा क्या पूछेगा कि इसी में इस ये बोलेगा क्या, व्हाट इज द, पहला क्या पूछेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चैन सिलिकेट, क्या होगा एस आई ओ थ्री इस तरह से। अब दूसरा चीज पूछेगा कि हाउ मैनी ऑक्सीजन शेयर इन चैन सिलिकेट। तो जब भी चाहे क्वेश्चन होता है क्या, हमको बस क्या देखना, एक यूनिट देखना है, बस एक यूनिट में जो शेयर होगा कितना शेयर है, एक दो ऑक्सीजन क्या शेयर है, कितना शेयर, दो ऑक्सीजन इसमें क्या शेयर है, इसका कितना होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, दो जगह शेयर, समझ में आया। इस तरह से एग्जाम में पूछता है, पहला फॉर्मूला पूछेगा क्या कि चैन सिलिकेट का क्या होता है, ये हो गया। दूसरा हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।